बोले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, शेफ से डांस की जर्नी ये किसी शो, मतलब आपने कैसा कर लिया कि डांस करना है अभी? सब लोग ये हैरान है और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ कि ये कैसे, ये कोई जब इनका कोई आसपास का लेना देना ही नहीं है, आसपास से दूर दूर से लेना देना नहीं है, तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? बट आई थिंक एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट टेकिंग ऑन न्यू चैलेंजेस एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो मैं यहाँ पे नई चीज़ें सीखने आया हूँ, नए चैलेंजेस को ओवरकम करने आया हूँ, और अगर मेरे जरिए नॉन डांसर्स का डांसिंग की तरफ पैशन बढ़ सके या वो डांस करने की करेज और हिम्मत जुटा सके तो मेरा काम हो गया। तो मैं तो वही करने आया हूँ, एंटरटेन करूँगा, अपना बेस्ट करूँगा। लेकिन जो भी लिमिटेड स्किल्स है, आप तो शेफ है, तो आपने को कब लगा कि हाँ यही करना है? मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा, फ्रेंड्स से लिया रहेगा, घर वालों से बोला रहेगा कि करूँ क्या नहीं, जब आपको ऑफर आया रहेगा कलर्स की तरफ से? जब ऑफर आया तो पहले दो दिन तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने सोचा मैं मेरा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन मेरी वाइफ ने बड़ा पुश करा, उन्होंने बोला अब हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट इज अ चैलेंज, लर्न न्यू थिंग्स, सच अ बिग शो, सच अ बिग प्लेटफॉर्म, और मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे को, मैं ऐसा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे को कोई बहुत प्यार था डांस से, बट डेफिनेटली एज एन आर्ट फॉर्म आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड डांस, एंड नाउ दैट आई एम ऑन द शो आई कैन से दिस वेरी ऑनेस्टली, डांस एज एन आर्ट फॉर्म मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और मैं हमेशा चाहूँगा कि और लोग डांस करें और हमारे डांसिंग का जो फ्रेटर्निटी और बढ़े। कितना फॉर्म आपने अभी तक सीख लिया है, कौन से फॉर्म आप सीख रहे हैं? मतलब आपने तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी एक महीने से पहले जो हमें जानकारी मिली, तो कौन से फॉर्म आपने सीख लिया और आपके लिए कौन सा टफ लग रहा है अभी? मेरे लिए एक्चुअली सारे के सारे आर्ट फॉर्म्स नए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज़ पहली बार करें तो हर चीज़ थोड़ी बहुत टफ होती है, लर्निंग कर्व होता है एक, तो लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप है मेरा, लेकिन सब में मज़ा आ रहा है। फ्री स्टाइल में अच्छा मज़ा आता है, भंगड़ा तो हम सब लोगों ने शादियों में करा ही होगा कभी ना कभी, लेकिन ओवरऑल व्हाट आई रियली वांट टू लर्न इज सम ऑफ द न्यू वंस, जो थोड़े इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स हैं जो मुझे आते नहीं है, कभी भी नहीं सीखे, कभी करे नहीं स्टेप्स, उनको सीखना। बॉलीवुड स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा फ्री है, बड़ा यू नो ऑर्गेनिक सा है, स्पॉन्टेनियस है, सो आई लाइक द मोस्ट। टेलीविजन एक्टर कई सारे बड़े बड़े फेजू है, रूबीना मैम है, मतलब टॉप लोग यहाँ पर है, तो उनके साथ डांस करने का कैसा रहा? ऑलरेडी शूट हो चुका है, तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मैं ये बोलूँगा कि इन सब लोगों में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, वेरी स्किल्ड, मतलब यहाँ से इतना बढ़िया परफॉर्म करा है सब लोगों ने, मैं तो इनकी ओ में आ गया हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और सीखने को भी मिल रहा है। सो आई थिंक देर ऑल ग्रेट कम्पेटिटर, सारे दोस्त बन जाएंगे आई एम श्योर बाई द एंड ऑफ द जर्नी। अभी भी सबके साथ अच्छा बातचीत शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे और एपिसोड्स होंगे और हम आपस में टाइम बिताएंगे तो दोस्ती बनेगी, जब जर्नी खत्म हो तो सबके साथ एक अच्छी मेमोरी लेकर डिपार्ट करें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। ओके, बहुत अच्छी बात की। लेकिन जजेस काफ़ी, माधुरी मैम है, करण सर है और नौरा है, तो इनको किस तरह से आप, मतलब कुछ उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनके लिए कुछ करने वाले कि नहीं स्पेशल परफॉर्मेंस माधुरी मैम के लिए? मैं स्पेशल परफॉर्मेंस क्या करूँगा, इतने सारे और लोग हैं, मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊँगा, मैं ये करूँगा। और अगर मैं यू नो अपनी फ्रेटर्निटी को, जो मेरी शेफ से या फूड की फ्रेटर्निटी है, उसको एक अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, और थोड़ा सा कोई फेवरेट, आपकी जो फेवरेट डिश है जो खिलाना चाहे माधुरी मैम को? मैं माधुरी जी को काफ़ी सारी चीज़ें खिलाना चाहूँगा, आई थिंक कोई बढ़िया सी महाराष्ट्र डिश या कोई कोंकणी डिश निकाल के उनको ट्राई कराना चाहूँगा, क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड है, वो बड़ा अच्छा आई एम श्योर उन्होंने खाया भी होगा अपनी लाइफ में एक वो, और एक आजकल क्योंकि गणेश चतुर्थी, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो मैं मोदक ज़रूर उनको ट्राई कराना चाहूँगा। ओके, बच्चों ने आपकी तारीफ़ की आपकी डांस की, जो बच्चे गुंजन, तो क्या कहना चाहिए बच्चों की तरफ से? काफ़ी अप्रिसिएशन मिला जब हम इंटरव्यू कर रहे थे। उनका फैन हूँ। ओके, मैं तो उनका फैन हूँ, मैं तो गुंजन और तेजस का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एनर्जी है इन दोनों में, और जो स्किल है, एंग्जाइटी नाम की तो चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती, इतना बढ़िया डांस करती हैं और करता है दोनों के दोनों बच्चे, आई मीन उनको देख कर ही, मैं तो उनकी एनर्जी देख कर ही थक जाता हूँ, सो दे आर फैंटास्टिक, दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब, इट्स आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक रिप्रेजेंटेशन हूँ एक नॉन डांसर का, जो हम सब हुआ है, काफ़ी सारे हम लोग जो आपकी ऑडियंस जो देख रही है नॉन डांसर है, और अगर मेरे जरिए कई लोगों को या कुछ लोगों को डांस की तरफ पैशन उनका बढ़ जाए या वो डांस परफॉर्म करने की तरफ बढ़ जाए तो मेरा काम हो जाए।